मेटा फोकस टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 8.4 पार्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 9 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सभी रीड करेंगे क्वेश्चन इन द बुक। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कोई मैन है, वो अपने बेटे का 4 गुना है। हमने मान लिया बेटे की एज कितनी है x, तो उस मैन की एज कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई x, दैट मींस 4x। क्लियर है, ये पहला स्टेप। मान लो बेटे की x, तो मैन की हो जाएगी 4x। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला, आफ्टर 16 इयर्स, 16 साल के बाद, सभी बताएंगे जो सन पहले था x का 16 साल के बाद x प्लस 16, और जो मैन था उसकी एज आज कितनी है 4x, 16 साल के बाद 4x प्लस 16। हमें क्या बोला गया, जो मैन की एज होगी वो क्या होगी, ट्वाइस मतलब दो गुना किसका, उसके बेटे का। क्लियर है, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप, 4x प्लस 16, 2 इंटू एक्स 2x, 16 टू जा 32। एक्स वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, 4 में से 2 गया 2x, 32 में से 16 गया 16, 2 वन जा 2 एट जा, एक्स की वैल्यू हाउ मच 8 इयर्स। इसका मतलब है कि जो बेटा था वो तो 8 साल का, और जो मैन था वो कितने का था, 4 टाइम्स, सभी ध्यान देंगे 4 टाइम्स 8 फोर जा 32 इयर्स। दिस इज द आंसर, बताएंगे सभी। क्लियर है, हां जी सभी को क्वेश्चन क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है पर समझाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर क्वेश्चन सभी को, गॉट इट ऑल, ओके वेरी गुड। नाउ फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सभी पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो क्या गिवन है। द डिफरेंस इन एज बिटवीन अ गर्ल एंड अ यंगर सिस्टर इज 4 इयर्स। ये बोला गया है एक तो गर्ल है, एक उसकी यंगर सिस्टर है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 साल का। ये गर्ल का बड़ी, और ये यंगर सिस्टर क्या है, जो सिस्टर है ये क्या है, यंगर, यंगर मतलब छोटी, छोटी किससे, इस बड़ी बहन से। क्लियर है, सभी ध्यान दो क्या गिवन। नेक्स्ट, द यंगर सिस्टर इन टर्न इज 4 इयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर। इस यंगर सिस्टर का एक छोटा भाई है, तो जो ये सिस्टर है इस भाई के लिए क्या हो गई, बड़ी, और ये भाई क्या हो गया, छोटा। कितना छोटा है, 4 साल। सभी बताएंगे क्या ये डायग्राम क्लियर है, क्या डायग्राम क्लियर है, कि जो गर्ल है वो क्या है, सबसे बड़ी, उससे छोटी, छोटी बहन, और सबसे छोटा भाई। क्लियर क्वेश्चन, डायग्राम क्लियर है, डायग्राम वेरी गुड। तो हम मान लेते हैं जो सबसे छोटा है उसकी एज एक्स है, मान लो जो सबसे छोटा भाई है इसकी एज कितनी है एक्स ईयर्स, तो जो बड़ी बहन है कितनी बड़ी है, 4 साल, कितनी एज हो जाएगी एक्स प्लस 4 इयर्स, और जो सबसे बड़ी बहन है वो इससे भी 4 साल बड़ी है, प्लस 4 के अंदर प्लस 4 और कर दो। क्लियर है, तो एज कितनी हो गई एक्स प्लस 8 इयर्स। बताओ सभी एज इज क्लियर है, हाँ जी सही सब क्लियर, एज इज क्लियर है। हमने मान लिया भाई की एज एक्स इयर्स, तो जो बीच वाली बहन है उसकी एज 4 साल ज्यादा एक्स प्लस 4, और जो सबसे बड़ी बहन है उसकी एज प्लस 4 एक्स प्लस 8। यस और नो इन द चैट बॉक्स। हाँ जी यस और नो, आप सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन क्या गिवन है।
The sum of the age of the younger sister and her brother is 16. हमको बोला गया है younger sister और brother की जो ages का sum है कितना है 16. इसकी एज x plus 4, भाई की एज x equals to 16, x plus x 2x, 16 में से 4 गया 12, x की वैल्यू 2 1 2 6 कितनी आ गई 6. इसका मतलब है भाई कितने साल का है 6 साल का है, बीच वाली बहन 6 plus 4 10 years, सबसे बड़ी बहन 10 plus 4 14 years. बताओ सभी क्लियर क्वेश्चन? हां जी सभी बताएंगे क्वेश्चन क्लियर? हां जी बेटा रीड द क्वेश्चन नंबर 11. हमको ये बोला गया है शीला को कुछ शेल्स मिले जो कि अनीता के क्या हैं ट्वाइस, और ये बोला गया अनीता को जो मिले वो मिले सैंडी से 5 ज्यादा. तो हमने सैंडी के एक्स मान लिए, अनीता के 5 ज्यादा एक्स प्लस 5, और जो शीला के थे वो थे अनीता के डबल. दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ अनीता, सॉल्व करो इसको, 2x प्लस 25 इज 10. अनीता के x plus 5 और सैंडी के x. नाउ फोकस रीड द क्वेश्चन. टुगेदर सैंडी एंड शीला, शीला के और सैंडी के, सिर्फ चेक करो शीला प्लस सैंडी कितना गिवन है बनाए, हाउ मच दे हैव 16 इक्वल्स टू 16. शीला की वैल्यू 2x प्लस 10, सैंडी की वैल्यू x equals to 16, 2 और 1 3x, 16 में से 10 गया 6, 3 1 3 2, x की वैल्यू हाउ मच 2. क्लियर क्वेश्चन सभी को? हां जी क्वेश्चन क्लियर. इसका मतलब सैंडी के पास 2, अनीता के पास 5 और 2 7, और शीला के पास 7 का डबल हाउ मच 14. सो आंसर इज 14, आंसर इज 7, आंसर इज 2. क्लियर है क्वेश्चन? हां जी क्वेश्चन क्लियर सभी को? क्वेश्चन 11, दस फोकस रीड द क्वेश्चन नंबर 12. हमको ये गिवन है एंडी के पास मार्बल्स हैं वो पेंडी के डबल हैं, और हमको ये गिवन है जो सैंडी के पास मार्बल हैं वो हम दोनों के मिला के आते हैं. तो हमने पेंडी को एक्स मान लिया, एंडी के पास हो गए पेंडी का डबल 2x, उसके बाद सैंडी, सैंडी के पास थे दोनों के मिला के उसका आधा 2x प्लस x 3x, 3x का आधा 3x बाय 2. इसके बाद रीड करेंगे क्या गिवन है. एंडी हैज 75 मोर मार्बल्स देन सैंडी. सभी रीड करेंगे. क्वेश्चन क्या है? एंडी के पास जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं सैंडी के मार्बल से कितना ज्यादा, 75 ज्यादा. रीड करो दोबारा. इफ एंडी हैज 75 मार्बल्स मोर देन सैंडी, हमने सैंडी को कितने मार्बल्स और दे दिए 75, ताकि दोनों के मार्बल्स क्या हो जाए इक्वल. क्लियर है? वैल्यू डाल दो. एंडी की वैल्यू 2x, सैंडी की वैल्यू 3x बाय 2 इक्वल्स टू 75. एलसीएम ले दो सभी का एक साथ, सभी का एलसीएम एक साथ 2. एलसीएम इज 2, 1 2 जा 2 2 जा 4x, 2 1 जा 3 1 जा 3, 1 2 जा 75, 2 जा 150. 2 से 2 कट, 4x equals to 3x plus 150, 4 में से 3 गया x equals to 150. इसका मतलब है पेंडी के पास 150, एंडी के पास 150 का डबल हाउ मच 300, सैंडी के पास दोनों में मिला के हाउ मच 450, और फिर 450 का आधा हाउ मच 225. क्लियर है क्वेश्चन?
हाँ जी क्वेश्चन क्लियर। मार्बल्स ऑफ एंडी पेंडी एंड सैंडी क्लियर है? हाँ जी बेटा फोकस द क्वेश्चन नंबर 13। हमको ये गिवन है हमारे बैग में दो टाइप के पैसे हैं, एक तो पैसे हैं 25 पैसे टाइप, एक पैसे हैं 50 पैसे टाइप। हमको ये बोला गया बैग में जो कुल रुपीस हैं दे आर 30 रुपीस। हमने रुपीस को पैसे में बदल दिया क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो पैसे की फॉर्म में है, क्लियर है? दूसरी बार हमें यह बोला गया जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 25 पैसे के वो 4 गुना है किसके 50 पैसे के। तो हमने मान लिया जो 50 पैसे के पॉइंट्स हैं वो कितने हैं x, 50 पैसे पॉइंट्स कितने हैं x, तो जो 25 पैसे पॉइंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे 4 गुना मतलब हाउ मच 4x, क्लियर है? और मैंने आपको अभी भी बताया अगर आपको निकालना हो मनी, मनी कैसे निकलेगा, जो टाइप ऑफ कॉइन है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉइन से। कॉइन कैसा है 50 पैसे का, कॉइन कितने हैं x, तो पैसे कैसे निकालेंगे 50 मल्टीप्लाई x, तो कितना हो गया 50x, क्लियर है? इसी तरह 25 मल्टीप्लाई हाउ मच 4x, कितना जाएगा 100x। ये पैसे आ गए 25 की फॉर्म में, ये पैसे आ गए 50 की फॉर्म में, दोनों पैसे मिला के कितने होने चाहिए 3000 पैसे। बताएंगे सभी चैट बॉक्स में क्या क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी चैट बॉक्स में बताएंगे सभी। हाँ जी बेटा आपको क्या करना था, दोनों टाइप के पैसों को ऐड करो, ऐड करने के बाद इक्वल्स टू 3000। हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आई 20। इसका मतलब है हमारे पास जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं 2020 और जो 25 पैसे के कॉइन्स हैं 2000 4 times of 20 24 is 80, क्लियर है क्वेश्चंस? द रेस्ट क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं आपको खुद ट्राई करने हैं, गॉट इट? सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर 8.4। टुमारो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। सो नाउ जस्ट वेट अटेंडेंस दैविक, टेक द अटेंडेंस दैविक। दैविक आर यू हियर बेटा? टेक द अटेंडेंस।